नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिनभर के तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। 15 जून को विश्व विख्यात कैची धाम में लगने वाला मेला नैनीताल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ये माना जा रहा है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु कैची धाम में बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यही वजह है कि पुलिस ने 2 दिनों का ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसमें भवाली में 4 पार्किंग और 2 मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई है। बीजेपी सरकार को अपने सवालों से घेरते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हिदेश ने कहा कि द्वेष की भावना से हल्द्वानी शहर की दशा और दिशा खराब करने का कार्य बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगातार 3री बार जनता के द्वारा हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक चुनना बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हल्द्वानी में कोई भी विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। काठगोदाम और चोरगलिया पुलिस ने कार और स्कूटी में 4 पेटी अंग्रेजी और देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोमवार रात काठगोदाम पुलिस गोविंद ग्राम रोड के पास गश्त पर थी। इस दौरान स्कूटी सवार भगवत सिंह निवासी खत्यारी अल्मोड़ा से 2 पेटी शराब बरामद हुई। वहीं चोरगलिया पुलिस ने काठबास क्षेत्र में कार की तलाशी ली, जिसमें 92 क्वार्टर अंग्रेजी शराब के बरामद हुए। आरोपी मनोज महतोलिया निवासी जश फार्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुमित हिदेश ने कहा कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड सरकार कांग्रेस में लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है और अब कांग्रेस पुरजोर तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी शासन के दौरान उठे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का कार्य करेगी और बीजेपी को असफलता को जनता के सामने जाने का कार्य करने वाली है। कारडूंगी तहसील में विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंद लोगों से आए चेकों का वितरण किया है। यहां लगभग 21 लोगों को बीमारी के इलाज, गरीब परिवार की बेटी की शादी के मुख्यमंत्री राहत कोष से आए चेक दिए गए। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने कहा कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर जरूरत व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।